दोस्तों, जब से साथ निभाना साथ रहा के मेकर्स ने साथ निभाना साथ रहा के सेकंड सीजन के अनाउंसमेंट की है, तब से फैन इस शो में एक बार फिर गोपी बहू के किरदार को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। जहां शो के टीजर के आते ही शो के फैन की एक्साइटमेंट और दोगुनी हो गई है। जहां शो में उनके फैन के लिए गोपी बहू को देखना काफी एक्साइटमेंट भरा होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि गोपी बहू के साथ लोग पुराने वाली गोपी बहू यानी कि जिया मानी को भी बेहद मिस कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर शो में जिया को क्यों नहीं लिया गया, जिसका जवाब खुद ही जिया मानिक देती हुई नजर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने बताया है कि आखिर वो क्यों नहीं बन रही साथ निभाना साथिया सीजन 2 का हिस्सा। चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि साथ निभाना साथिया की गोपी बहू यानी कि जिया मानिक पहले इस शो का हिस्सा रह चुकी हैं। ऐसे में लोग उनको काफी मिस कर रहे हैं, जहां वो एक बार फिर इन्हें शो में देखना चाहते हैं, जिस पर जिया मानिक इस बारे में बताती हैं, मैं जिंदगी भर गोपी बहू नहीं बन सकती। एक्टर अलग अलग किरदार निभाना चाहता है क्योंकि हम खुद को लिमिटेड नहीं रखना चाहते। अगर मैं अपने पूरे करियर में गोपी बहू का किरदार निभाती रहूंगी तो इससे मेरी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी। जहां मैं कलाकार के रूप में लालची हूं और मैं वर्सटाइल और अपॉर्चुनिटी को पाकर खुद को बहुत बेस्ट महसूस करती हूं। सिर्फ यही नहीं बल्कि शो के नए सीजन में देवोलीना को कास्ट किए जाने पर जिया ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, गोपी बहू की जर्नी मैंने भी जी है। जहां देवोलीना गोपी के रूप में शो में शामिल हुई तब भी मुझे उनके लिए कभी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि हर कोई अपना काम कर रहा है। अगर वो इस शो का हिस्सा नहीं होती तो कोई और करता। मैं दूसरे सीजन के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन देवोलीना को फिर भी कास्ट किया गया है तो मैं उनके लिए काफी खुश हूँ। जहां जिया की बातों से तो ये साफ है कि वो गोपी बहू के किरदार को फिर से निभाना नहीं चाहती, इसी वजह से मेकर्स ने देवोलीना भट्टाचार्य को कास्ट किया है। वैसे आपको बता दें कि जब साथ निभाना साथिया को साल 2010 में शुरू किया गया था तो इस शो में पहले जिया मानिक मुख्य किरदार में नजर आई थी। जहां शो में उनका मासूम चेहरा और बच्चे जैसा भोलापन लोगों को काफी पसंद आया, लेकिन शो को 2 साल करने के बाद जिया ने एकदम से इस शो को अलविदा कह दिया, जिसकी वजह से वो काफी समय तक चर्चाओं में बनी रही। दरअसल सीरियल साथ निभाना साथिया के दौरान उन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया था और इसकी वजह से उन्हें शो को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद शो में एंट्री हुई देवोलीना भट्टाचार्य की। ताकि फैंस और शो ऑडियंस की उम्मीदों पर खरी उतरी देवोलीना भट्टाचार्य और उन्होंने गोपी बहू के किरदार में पूरी जान डाल दी और आज उन्हें घर घर में गोपी बहू के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि जिया मानिक शो साथ निभाना साथिया के बाद कई शोज में नजर आ चुकी हैं, जिनमें बालिका वधू, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा और जिनी और जूजू जैसे सीरियल शामिल हैं। लेकिन जिया के फैन को तो उन्हें अब भी गोपी बहू के किरदार का इंतजार है। वो गोपी बहू के रूप में जिया मानिक की मांग शो साथ निभाना साथिया में कर रहे हैं, जहाँ जिया मानिक ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस शो को करना नहीं चाहती। वेल दोस्तों, अब देखना ये बेहद ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि गोपी का किरदार निभा रही देवोलीना भट्टाचार्य क्या इस बार भी अपने गोपी बहू के किरदार से लोगों का दिल जीत पाएंगी या लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगी। तो दोस्तों, आपका साथ निभाना साथिया सीजन 2 के बारे में क्या कहना है? क्या आप गोपी के किरदार में देवोलीना भट्टाचार्य या फिर जिया मानिक को देखना चाहते हैं? आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।